बिहार के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं की बयानबाजी की धुरी बन गए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे। आज एक बार फिर से मीसा भारती ने यह बयान दोहराया और कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। इस बयानबाजी के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबाल है। एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठे का रिटायर होकर के, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। पीएम मोदी पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का ये निजी हमला चुनावी गर्माहट और बढ़ा गया। लेकिन मोदी जी, इस देश की जनता मूर्ख नहीं, बार बार कांट की हानि चूल्हे पे नहीं चढ़ती। मीसा भारती इससे पहले भी पीएम मोदी पर निजी हमला बोल चुकी हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी उन्हें जेल भेजेंगे। जब विवाद बढ़ा तो अब मीसा भारती ने अपने तीखे हमलों पर सफाई में इसे फिर दोहरा दिया। मैंने ये कहा था कि नौजवान घर बैठेगा और जो हमारे अभिभावक और बुजुर्ग लोग हैं वो मौका मांग रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग भी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से और जो भी एजेंसियां उनसे जांच करवा के, और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजने का काम करेंगे। लालू परिवार की तरफ से पीएम मोदी पर हमले नए नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री बिहार का चुनावी दौरा करते हैं तो इसमें और तेजी आ जाती है। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मॉडल है संतुष्टीकरण। बिहार में विपक्ष का पूरा अभियान मोदी को निशाना बनाने की रणनीति पर चल रहा है, तो बीजेपी मोदी के बयानों को विपक्ष पर हमले का हथियार बना रही है। वैसे व्यक्ति को ये लोग जेल में भेजने की बात करते हैं। लालू जी के कुकृत्यों का अगर कोई पोस्टर बॉय और पोस्टर गर्ल है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी जी है और मीसा जी है। 2 बार वो चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी परिवारवाद का ये नंगा खेल इस प्रकार से चल रहा है। बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए ने रखा है। आज के दिन तो जितने वोट हुए उसमें किसी को जीतते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं उनको कहीं पर। मैं कह रहा हूँ जनता हर जगह जीत रही है। ये जनता वर्सेस भारत सरकार का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण के लिए बिहार में 5 सीटों पर 7 मई को वोटिंग है। थर्ड फेज में झंझारपुर, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया में मतदान होगा। ABP News, आपको रखे आगे।